भैया नमस्कार, अजय की तरफ से सब अवधी भाषा प्रेमियन का हम हाजिर हुए गोवा मीडिया डिक्शनरी के अगले टर्म के साथ। अभी अगला टर्म भी फिल्म का है, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। इन फिल्मों का जो दौर रहा ये 1910 से लेके 1930 तक रहा, और इस काल की जो फिल्म थी दो बड़ी फेमस फिल्म आई देखा जाए, एक तो मेट्रोपोलिस और दूसरी फिल्म है द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी। इन फिल्म से इस काल की फिल्म का बाखूबी चित्रण मिल जाए। और फर्क यह रहा, इसके पहले जो फिल्म का दौर रहा है वह रहा है रोमांटिक फिल्म का, एक्शन मार धाड़ वाली फिल्म का, प्रेम कहानी रही, हावी रही। लेकिन यहां से एकदम चेंज आ गया। वो चेंज आया कि इस दौर की फिल्मों में अंदर की जो घुटन है, त्रासदी है, निराशा है, द्वंद है, दुविधा है, बाखूबी चित्रण किया गया इन फिल्मों में। और उसके लिए इस्तेमाल किया डिस्टॉर्टेड वीडियोज का, बड़े बड़े सेट्स, ड्रीम लाइक सेट जिन्हें कहा गया, उनका इस्तेमाल किए। और इनका प्रभाव हॉलीवुड पे भी पड़ा। हॉलीवुड के जो बड़े फेमस फिल्मकार हुए अल्फ्रेड हिचकॉक, उन्होंने माना कि जर्मन एक्सप्रेशनिज्म प्रभावित थे। दरअसल ये दौर जो रहा है ये प्रथम विश्व युद्ध का था, जो विश्व युद्ध की भयावहता थी, लोगों में जो डर भर गया था, निराशा भरी थी, कुंठा भरी थी, विलाप था, वो इन फिल्मों में दिखाई पड़ रहा था। भाई फिल्म तो समाज का आईना है, तो जो समाज में होगा वो फिल्म में भी होगा, वही दिखाया जा रहा था बार बार। और यहीं से जो कहा जाए कि फिल्मों की दो धारा और निकली, एक तो हॉरर फिल्म निकली है और दूसरा निकली द फिल्म नुआर। वहां भी वही निगेटिव करेक्टर दिखाए गए, और हॉरर फिल्मों में भय, डर, कुंठा ये दिखाई जा रही थी। तो ये उस समय का दौर था, जो लोगों के अंदर परेशानी थी उसको फिल्मकारों ने बड़े अच्छे ढंग से पकड़ा और बड़े अच्छे ढंग से चित्रण किए। इसलिए यह फिल्म जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म है, बड़ा दुनिया में तमाम आंदोलन चले, अब आंदोलन केवल सड़कें पर नहीं होता है जुलूस निकाल के, आंदोलन तो भाई साहित्य में भी है, आंदोलन कलाकार भी करता है, कलम से, कूची से करता है, नाटक से करता है, तो उसी तरह यह आंदोलन फिल्म था। फिल्म के इतिहास में यह एक बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है कि जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। तुम जल्दी फिर हाजिर हो गए एक नए टर्म के साथ। नमस्कार।